हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा डीसी एंड पीजी डीसी सेमेस्टर नंबर 1 है, ओके। और जो हमारी यूनिट नंबर है 4। एक चीज का ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, जो डीसीए में है वो यूनिट नंबर 5 में है और पीजी डीसी में है वो यूनिट नंबर 4 में है, राइट। क्योंकि यहाँ पर पीजीडीसीए की जो 5th यूनिट है वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, जबकि डीसीए की 5th यूनिट में ये सारे क्वेश्चन हैं, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना कि पीजीडीसीए की ये 4th यूनिट है और डीसीए वालों की 5th यूनिट है, जिसमें से कि मैं एक पार्ट में 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसके अगले पार्ट में 4 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। टोटल हम 8 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको इस यूनिट के कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आज हैं, 4 क्वेश्चन इसके मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। एनआईसी, हब, राउटर, रिपीटर, ब्रिज एंड गेटवे। तो सबसे पहले मैं आपको इस नेटवर्क क्या है, नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके बाद नेटवर्क डिवाइस किसे कहते हैं, सारा एक दूसरे से रिलेटिव सारी चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहले नेटवर्क किसे कहते हैं ये देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पर मैं सिस्टम बना रहा, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ये, दूसरा ये सिस्टम ये बना है और तीसरा कंप्यूटर ये बना है, राइट। और यहाँ पर एक कंप्यूटर और बनाता हूं, एक कंप्यूटर ये बना दिया। जब इन कंप्यूटरों को आपस में मैं केबल की सहायता से कनेक्ट कर दिया, किसकी सहायता से, मान लो ये कोई केबल है। अच्छा, जब ये कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो ये कंप्यूटर आपस में दो प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल दो प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। मैंने बोला ये आपका कोई मोबाइल है, क्या है मोबाइल। अब इस मोबाइल को कंप्यूटर से हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो यूएसबी केबल की सहायता से जोड़ सकते हैं और दूसरा हम वाईफाई के द्वारा जोड़ सकते हैं, राइट। तो कोई भी कनेक्टिविटी कंप्यूटर में कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से, राइट। अब थोड़ा सी मेरी डेफिनेशन सुनना नेटवर्क की। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है, अब किसी भी माध्यम का मतलब क्या हो सकता है, मेरा कंप्यूटर भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है और वाईफाई भी हो सकता है, राइट। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नोड कहा जाता है, ध्यान रखना। एक बार और रिवीजन करें, नेटवर्क किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जो नेटवर्क की बनने की डिजाइन है, क्या, जो नेटवर्क बनने की डिजाइन है, इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। तो समझे क्या मैंने बोला, पहली चीज नेटवर्क किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल से कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, और बनने की डिजाइन को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी बात समझ में नहीं आई। बनने की डिजाइन मतलब नेटवर्क मेरा आयताकार में बन सकता है, नेटवर्क में सर्कल में ही बना सकता हूं कि यहाँ एक कंप्यूटर, कंप्यूटर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर ये भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस कनेक्टिविटी को क्या कहते हैं, मतलब जब नेटवर्क बनता है तो बनने के डिजाइन को क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो पहली चीज हमने समझ लिया नेटवर्क किसे कहते हैं, टोपोलॉजी किसे कहते हैं। इसके बाद समझते हैं नेटवर्क डिवाइस। बहुत अच्छे ध्यान से समझना, आपको एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपके अनुसार दूंगा, राइट। देखते बस चलना, नेटवर्क डिवाइस किसे कहते हैं, देखो नेटवर्क डिवाइस क्या है, आपको क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस की हेडिंग लिखना होगी। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, राइट। नेटवर्क हो गया, नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे नेटवर्क डिवाइस कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है उसे नेटवर्क कहते हैं, और इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है, राइट। अब नेटवर्क डिवाइस कितने प्रकार की होती है, एनआईसी, हब, राउटर, रिपीटर, ब्रिज और गेटवे। थोड़ा थोड़ा सा समझना, एनआईसी क्या होता है? अच्छा, एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पर एनआईसी का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यदि मैं बात करता हूँ एनआईसी, तो एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये क्या होता है, यदि ये आपका कंप्यूटर है या ये आपका मोबाइल है, राइट, या तो कंप्यूटर है या तो मोबाइल है। अब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कैसे मिलेंगे, आपके मोबाइल में नेटवर्क कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए एक एनआईसी कार्ड लगाया जाता है, इसको एनआईसी चिप के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो एनआईसी जो चिप होती है कंप्यूटरों में क्यों लगाई जाती है, जिससे कि इसमें नेटवर्क आदान प्रदान हो सके। यदि एनआईसी कार्ड खराब हो जाता है तो हमारे कंप्यूटरों में नेटवर्क का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ओके। तो एनआईसी क्या है, एनआईसी एक प्रकार का नेटवर्क कार्ड है, इसे एनआईसी चिप भी कहा जाता है। एनआईसी कंप्यूटर में लगाने से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में नेटवर्क का आदान प्रदान होता है, यदि एनआईसी नहीं लगाते हैं तो कंप्यूटरों में नेटवर्क नहीं मिल सकता, राइट। इसके बाद आता है हब। हब क्या करता है, हब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला एक कंप्यूटर आपका ये है, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है मेरा, और तीसरा चौथा, कितने कंप्यूटर हो गए अपने पास, चार कंप्यूटर हो गए। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मैं यहां एक हब डिवाइस रखता हूं, क्या रखता हूं, एक हब डिवाइस रखता हूं जी। सबको क्या कर दिया, कनेक्ट करे, तो हब क्या हुआ, दो या दो से अधिक नेट, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, कौन हब। और इसमें होता क्या है, प्रत्येक नोड का डेटा, प्रत्येक नोड, अब बोलोगे सर ये नोड क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क में जुड़ गया तो अब ये कंप्यूटर नहीं, अब नोड कहलाएगा, राइट। अब प्रत्येक नोड का डेटा दूसरे नोड में भेजा जा सकता है, किसके द्वारा, हब के द्वारा, राइट। और हब भी प्रकार, अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे डंप हब, इंटेलिजेंट हब, और साथ एक स्मार्ट हब भी होता है, राइट। तो हब भी अनेक प्रकार के होते हैं। हब का काम क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाना और उनके मध्य में डेटा का आदान प्रदान करना, ये किसका काम होता है, ये हब का होता है। लेकिन ध्यान ये रखना, जो अपने ये हब होता है ना, ये हब के मध्य में एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब, यदि डेटा यहां पर है तो डेटा यहां पर भी चला जाएगा, यहां पर भी चला जाएगा, यहां और यहां, क्योंकि हब में किसी प्रकार की मेमोरी नहीं पाई जाती, तो हब क्या करता है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होता है, राइट। इसके बाद बात करते हैं राउटर्स की। राउटर्स क्या करता है, अब राउटर्स ये उपयोग काय के लिए होता है, नेटवर्क के लिए, सिंपल बात है, नेटवर्क के लिए। अब मैंने बोला कि यहां पर एक नेटवर्क है मेरा, मैं एक ये नेटवर्क बनाया हूं, मान लो यहां पर तीन कंप्यूटरों का फॉर एग्जांपल लेता हूं और एक नेटवर्क बनाता हूं, ठीक है ना, ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, मान लो नेटवर्क वन बन गया, और दूसरा नेटवर्क मैं यहां पर बनाया, बहुत अच्छे से समझना, ये मैंने दूसरा नेटवर्क बनाया, अब इसको भी आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये नेटवर्क कौन सा है अपना, ये नेटवर्क सेकंड है। एक नेटवर्क ये बनाया, दूसरा नेटवर्क ये बनाया। अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल ये जियो का नेटवर्क है और ये भी जियो का नेटवर्क है, राउटर। अब राउटर में मैं बात करता हूं, यहां पर राउट, देखो राउट, और राउट का मतलब क्या होता है, रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है, रास्ता। मैं बोलता हूं जब यहां से यहां तक डेटा जा रहा है तो राउटर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान करना, किसका काम होता है, राउटर का। लेकिन राउटर में एडवांस चीज क्या है, इसमें एडवांस ये है
कि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा जाता है तो इसे किस रास्ते से जाना चाहिए कि बहुत कम समय में यहां पर डेटा पहुंच जाए। ओके, तो ये शॉर्ट रास्ता प्रदान करता है, कौन? राउटर्स। ओके, कोई कोई इसको रूटर्स भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये रूटर्स या राउटर्स क्या करता है, किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में किस रास्ते से डेटा भेजा जाए कि वो डेटा कम समय में और बहुत जल्दी चला जाए, ये काम कौन करता है बेटा? राउटर्स करता है। ओके, इसके बाद आता है रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है ये चीज थोड़ा सा सुनना। रिपीटर भी क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका उपयोग क्या होता है? वीक सिग्नल। मैंने बोला कि यहां पर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वन मिनट, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? रिपीटर। ध्यान रखना, जो अपना ये रिपीटर होता है ये क्या करता है? वीक सिग्नल। यदि आपके सिग्नल की आवृत्ति कम हो जाती है तो कम आवृत्ति वाले सिग्नल को हाई आवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज होता है उस नेटवर्किंग डिवाइस को क्या बोला जाता है? रिपीटर कहा जाता है, राइट। और रिपीटर एक और यूज होता है, सेम नेटवर्क में काम करता है। सेम नेटवर्क मतलब मान लो ये जियो का नेटवर्क है और ये जियो का नेटवर्क है, यदि आपके नेटवर्क एक जैसे होते हैं तो वहां पर रिपीटर आपका काम कर जाएगा, और यदि नेटवर्क अलग अलग हैं तो आप रिपीटर का यूज नहीं कर सकते। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो रिपीटर होता है वो दो नेटवर्क के मध्य तभी काम करता है जब दोनों नेटवर्क की कार्य प्रणाली एक जैसी होती है, तब वहां पर रिपीटर का काम होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज की। तो ब्रिज क्या करता है? ब्रिज भी एक प्रकार से नेटवर्किंग डिवाइस है। अब कैसे नेटवर्किंग डिवाइस है थोड़ा सा समझना। मान लो कि यहां पर मैं एक ब्रिज रखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं ब्रिज रखा। अब इस ब्रिज का एक पोर्ट निकाल दिया, यहां से एक पोर्ट निकाला और एक पोर्ट ये निकाला, कितने पोर्ट हो गए? दो। ओके, अब इसमें मैं कुछ सिस्टम बिठा दिया, यहां पर सिस्टम या इसी को बोल सकते हो नोड, कंप्यूटर। मैं यहां पर कुछ कंप्यूटर बिठा दिया, बहुत अच्छे समझना, वीडियो थोड़ा सी लॉन्ग होगी उसकी टेंशन मत लेना कि लॉन्ग क्यों हो रही है, राइट। अब देखना, जो ब्रिज होता है ना वो दो नेटवर्कों के मध्य या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, कौन? ब्रिज। एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है, और ये आपस में क्या कर दिया? दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ब्रिज काय के लिए हो जाता है, यूज होता है दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन समझो, जो अपना ब्रिज होता है ना ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट मतलब डेटा लीक हो जाता है। वो कैसे होता है? मान लो कि एक ब्रिज का पोर्ट इस तरफ गया है, दूसरा ब्रिज का पोर्ट इस तरफ गया है, राइट। अब यदि मैं डेटा, मान लो कि कोई फाइल है, ये 1 2 3 कितने सिस्टम है यहां पर? तीन सिस्टम है, राइट। यदि मैं यहां से सिस्टम 1 की फाइल सिस्टम 3 में सेंड कर रहा हूं, यहां की फाइल यहां पर आ रही है, और दूसरी कंडीशन ले रहा हूं कि सिस्टम 1 की फाइल को मैं सिस्टम 6 में सेंड कर रहा हूं, दो कंडीशन अलग अलग हुई। पहली कंडीशन में क्या बोला मैंने? एक सिस्टम की फाइल को सिस्टम नंबर 3 में भेज रहा हूं। दूसरी से मैंने कंडीशन क्या बोली? एक सिस्टम की फाइल को सिस्टम नंबर 6 में भेज रहा हूं। जब मैं फाइल सिस्टम नंबर 1 से 3 में भेज रहा हूं तो ये आपका एक ही नेटवर्क के मध्य काम हो रहा है, जबकि मैं फाइल को सिस्टम नंबर 6 में भेज रहा हूं तो नेटवर्क अलग हो जाता है। जब कोई भी डेटा एक ही नेटवर्क में जाता है तो उस नेटवर्क के मध्य ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ब्रिज। लेकिन जब डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो क्या होता है? अब ये दोनों नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं
इस नोड से यहाँ पर फाइल सेंड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पर फाइल सेंड कर रहा हूँ तो फाइल इसको भी पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल सेंड हो रही है, लेकिन इस वाले पोर्ट को पता नहीं चलेगा। ओके, तो ब्रिज क्या करता है, यदि कोई फाइल ट्रांसफर हो रही है तो एक पोर्ट को सब में पता चल जाता है, जबकि इस वाले पोर्ट को पता नहीं चलेगा, और यदि यहां से यहां पर फाइल ट्रांसफर हो रही है तो पूरे नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों में फाइल चली जाती है, मतलब ये वन वे होता है, राइट। यहां पर क्या होता है, यहां पर डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और यदि यहां पर भी आपस में ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, यदि मैं जनरली बात करता हूं कि ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, तो ब्रिज का यूज ट्रैफिक कम करने के लिए किया जाता है, राइट। जैसे आप सड़क जाते हो तो ये सड़क जाती है, मान लो यहां पर चौराहा है, ठीक है ना, तो ब्रिज ऐसे बनता है। अब आप यदि यहां से जाओगे ब्रिज के ऊपर से, तो जो हमारी रोड का चलन है वो चलन में किसी प्रकार की दिक्कत आई नहीं आएगी, तो ब्रिज क्या होता है, ट्रैफिक कम करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ब्रिज का उपयोग दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, और ब्रिज का उपयोग करने से नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है, राइट। इसके बाद बात करता हूं गेटवे, गेटवे की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं बोला कि यहां पर गेटवे डिवाइस है, आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं बोलता हूं कि ये क्या है गेटवे, अब इसमें लिखोगे क्या, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को चलाने में सहायता प्रदान करती है। अब देखना जो ये गेटवे है ये क्या करता है, मैंने बोला कि जो मेरा ये नेटवर्क फर्स्ट है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो कि इसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलो कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं वीडियो बनाया हूँ, वो यूनिट नंबर डीसीए वालों की फोर्थ है और पीजीडीसीए वालों की थर्ड यूनिट है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जो इस नेटवर्क को ऑपरेट करके क्रियान्वित करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मान लो कि इस नेटवर्क में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस नेटवर्क में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बोलोगे सर दोनों में जब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अब किस कंडीशन में करेंगे, जब दोनों के मध्य में एक नेटवर्किंग डिवाइस लगा दिए जिसका नाम क्या है, गेटवे। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है लेकिन दोनों नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, तो दो नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब इस स्थिति में जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज होता है उसे गेटवे कहते हैं, राइट। अब ये आपको डायग्राम कम से कम आधे पेज में बना के आना है और बहुत सुंदर सुंदर डेफिनेशन देना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरा इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वीडियो लॉन्ग हो रही है टेंशन मत लेना, राइट। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में अपने क्या आया, टोपोलॉजी किसे कहते हैं, अब थोड़ा सा समझना टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी क्या है, कैसे यूज करेंगे, सारा सिस्टम देखना थोड़ा सा, ठीक है। टोपोलॉजी मैंने अभी आपको क्या बताया, टोपोलॉजी का मतलब क्या बताया मैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बेटा नेटवर्क, क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। मैंने ये आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या है, एक नेटवर्क जो कैसा है, आयताकार है। अब यहां पर भी मैं एक नोड वन मतलब कंप्यूटर वन, कंप्यूटर थ्री, कंप्यूटर फोर, यहां पर भी चार कंप्यूटर है, यहां पर तीन कंप्यूटर है, अब इसको भी मैं आपस में जोड़ा हूं तो इसकी आकृति क्या है बेटा, बोलोगे सर आयताकार, यहां पर क्या है, सर्कल है मतलब गोलाकार, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आकृति का अंतर है। किसका है? आकृति का। ये तो आयताकार है और ये गोलाकार है या सर्कल है, ठीक है ना। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल या वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, और नेटवर्क के बनने की डिजाइन, ठीक है, डिजाइन ऑफ नेटवर्क, बनने की डिजाइन को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी। अब यहां पर कितने प्रकार की टोपोलॉजी है? बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश टोपोलॉजी। ध्यान से समझना, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि टोपोलॉजी क्या कहलाता है। अब विभिन्न टोपोलॉजी, जैसे बस, अब बस टोपोलॉजी है तो भाई साहब बस है तो ये लंबी बस होती है, ठीक है। अब मैंने यहां पर बस बना दिया, अब इसमें क्या होती है? दोनों साइड सीट होती हैं कि नहीं होती हैं? ये सीट हो गई, एक में कंप्यूटर यहां बिठा दिया, एक में सिस्टम को यहां बिठा दिया, एक कंप्यूटर यहां बिठा दिया, एक कंप्यूटर यहां बिठा दिया, बैठ गए क्या? तो इस जो आकृति बनी ना, इसमें भी तो ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ है ना, कंप्यूटर आपस में किससे हुए हैं? केबल से कनेक्ट हुए हैं, तो ये भी क्या है? एक नेटवर्क है। लेकिन जो नेटवर्क की आकार है वो किस आकार का है? बस आकार का है ना, बस आकार का। इसलिए इसको कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बस टोपोलॉजी में क्या होती है? एक मेन केबल होती है, ये वाली केबल होती है जिसको बैकबोन केबल के नाम से जाना जाता है। क्या? बैकबोन केबल के नाम से जाना जाता है। जो दोनों साइड अपने ये क्या जॉइंट होते हैं, इसको बोला जाता है बेटा टर्मिनल। क्या बोला जाता है? टर्मिनल। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, ये अपने क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपने नोड, राइट। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? बस टोपोलॉजी में एक लंबी मेन केबल होती है जिसे बैकबोन केबल कहते हैं, इसके दोनों साइड जो पॉइंट होते हैं उसे टर्मिनल कहा जाता है, और बैकबोन केबल से विभिन्न बैकबोन कोइल से दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जिस प्रकार की आकृति बनती है उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, राइट। अब इसके लाभ देखो, लाभ इस टोपोलॉजी को बनाने में कम खर्च आता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या होगा? इस टोपोलॉजी में कोई मिस्टेक पकड़ना बहुत आसान होता है। क्या होता है? इस टोपोलॉजी में मिस्टेक पकड़ना बहुत आसान होता है। मिस्टेक मतलब, मान लो ये कंप्यूटर यहां से खराब हो गया तो हमको ये क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर खराब है। अब ये कंप्यूटर खराब है तो हम इसको चेक थोड़ा करेंगे, क्यों ना करेंगे? क्योंकि हम सारे कंप्यूटर चालू कर रहे हैं तो सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है। तो उसका ये लाभ है कि जो कंप्यूटर मिस्टेक आ जाता है, खराब हो जाता है, उसको ढूंढना बहुत आसान होता है। तीसरा लाभ देखो क्या हो सकता है, बताओ थोड़ा सा। तीसरा लाभ ये है कि बस टोपोलॉजी में कोई एक नया नोड इंस्टॉल करना या लगाना बहुत आसान होता है, ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ इसमें क्या हो सकता है और बताओ? चौथा लाभ आप अपने मन से लिख लेना। हानि देखो, हानि क्या हो सकती है इसमें? सबसे बड़ी हानि, यदि इसकी मेन केबल खराब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो गई? अपनी हानि का मतलब क्या होता है? यदि ये पूरी केबल खराब हो जाएगी तो मेरी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। ये क्या होती है? अपनी हानि, ठीक है ना। और इसमें कोई हानि की गुंजाइश नहीं बनती है, और बनती हो तो आप बुक में देख लेना, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मेरा काम था केवल बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट देना, किस प्रकार इसको पढ़ा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट। इसके बाद बात करता हूं मैं अगली टोपोलॉजी, जिसका नाम होता है स्टार टोपोलॉजी। ध्यान से समझना, स्टार टोपोलॉजी कहलाती क्या है? स्टार टोपोलॉजी ध्यान से समझना भाई साहब इसको। मैंने बोला कि एक कंप्यूटर यहां पर है, दूसरा कंप्यूटर यहां पर है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा अपना तीसरा कंप्यूटर, यहां पर आ जाएगा अपना चौथा कंप्यूटर। थोड़ा सा स्पीड से समझे अपन, क्यों कम्युनिकेशन प्रोसेस है, राइट। अब यहां पर क्या है? एक मैंने लगा दिया हब। अब इनका काम क्या होता है?
ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, अपनी स्टार टोपोलॉजी। इसमें देखो डेफिनेशन क्या होगा स्टार टोपोलॉजी में, इसमें एक सेंटर डिवाइस होती है, सेंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिस डिवाइस से चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। यदि सेंटर डिवाइस खराब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन यही रहेगी कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर या केंद्रीय नेटवर्किंग डिवाइस होती है और उस डिवाइस से सारे नोड आपस में कनेक्ट होते हैं। यदि धोखे से हब डिवाइस खराब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी नष्ट हो जाती है, और यदि इसमें कोई एक नोड की केबल खराब हो जाती है तो बाकी की टोपोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसे क्या कहते हैं, हब टोपोलॉजी। इसके बाद आता है अपना रिंग टोपोलॉजी। अब यहां से रिंग टोपोलॉजी क्या कहलाती है, रिंग का मतलब होता है रिंग बना दो भाई साहब, इसमें ये रिंग बन गया, इसमें दो केबलें होती हैं, रिंग में कितनी होती हैं, दो केबल। मान लो कि मैंने एक सिस्टम ये रखा, दूसरा कंप्यूटर मैंने ये रखा, तीसरा कंप्यूटर मैंने ये रखा, तीन कंप्यूटर बना दिया और ये कोई रिंग हो गई, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन मैंने डेटा की ऐसी दी, ठीक है, और ये डायरेक्शन मैंने ऐसे दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रिंग टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका आकार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और इनके मध्य में जो डेटा का प्रवाह होता है वो दोनों वाइज हो सकता है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और यदि एक केबल खराब हो जाती है तो उसका जो डेटा का प्रवाह होता है वो दूसरे केबल से हो सकता है, ठीक है ना। यदि इसमें सबसे बड़ी हानि, यदि इसमें कोई एक नोड खराब हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, राइट। इसके बाद अपनी दो टोपोलॉजी और बनी, एक बनी है ट्री और दूसरी बनी है मैश टोपोलॉजी। एक मिनट, ये होता है अपना रिंग टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी की बात करता हूं, ट्री टोपोलॉजी। वीडियो काफी लंबी हो रही है, मेरे को लग रहा है कि जो ये दो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूं। यदि अपने वीडियो के तीन भाग भी बनते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए तो वीडियो लंबी होगी, ये 100% है, राइट, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, तो ट्री टोपोलॉजी, चलो एक लंबी शाखा, एक शाखा मैंने ये कर दी, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। अब यहां पर मैं एक हब लगाता हूं और हब से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कंप्यूटर कर दूंगा, कंप्यूटर C1, C2, C3 या इसको नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हब दे दिया, हब से भी कनेक्ट कर दिया, C1, C2, C3, ये क्या हो जाएगा, अपना हब हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, हब हो जाएगा, ये भी क्या, हब हो जाएगा, C2, C3। क्या तीनों टोपोलॉजी, जो मेरे को टोपोलॉजी दिख रही है वो टी की आकृति की दिख रही है, टी की आकृति मतलब एक पेड़, पेड़ में क्या होती है, शाखाएं, शाखाएं की भी क्या होती हैं, और भी शाखाएं होती हैं। इसमें देखो जो ट्री टोपोलॉजी है वो दो टोपोलॉजी का मिक्सर दिख रहा है, कितने टोपोलॉजी का, दो। एक तो होगा अपना बस टोपोलॉजी, क्यों होगा, क्योंकि बस अपनी ऐसे होती है और बीच बीच से सीट होती है, तो उसको कौन सा टोपोलॉजी, बस। प्लस ये तो स्टार टोपोलॉजी यदि अपन इतना देखें, ठीक है ना, तो ट्री टोपोलॉजी में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, एक होती है बस टोपोलॉजी, दूसरी होती है स्टार टोपोलॉजी। तो जो ट्री टोपोलॉजी है वो दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, एक बस टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी। यदि इसकी मेन केबल खराब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी नष्ट हो जाती है, लेकिन यदि इसकी कुल एक शाखा खराब होती है तो पूरी शाखा का नेटवर्क खराब हो जाएगा, लेकिन जो ट्री बचा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो होती है सबसे खर्चीली टोपोलॉजी होती है, थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक सिस्टम जे है, थोड़ा सा इसको नीचे बताता हूं, एक सिस्टम जे है अपना, दूसरा सिस्टम ये है। टोपोलॉजी का चित्र देखना कैसे बनता है, एक ये आया अपना, एक ये आया, एक यहां रखना, एक यहां रखना, और सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, ठीक है।
हर कंप्यूटर को अलग अलग वायर से कनेक्ट करोगे। ये किससे नहीं है, इससे नहीं है, ये इसका कनेक्शन यहाँ करो, इसका कनेक्शन यहाँ करो, इसका भी कनेक्शन यहाँ कर दो, ठीक है ना। अब इसका कनेक्शन यहाँ नहीं है तो यहाँ कर दो, और कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और इसका कनेक्शन इसमें नहीं है, इसका कनेक्शन यहाँ है, यहाँ है, ठीक। इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, प्रत्येक टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी सबसे खर्चीली टोपोलॉजी होती है, और मैश टोपोलॉजी है प्रत्येक कंप्यूटर का कनेक्शन अलग अलग केबलों के द्वारा होता है। इस टोपोलॉजी को सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाली टोपोलॉजी भी कहा जाता है। हाईएस्ट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर आपस में एक केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होता है टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैं अगले भाग में प्रयास करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।